click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी स्किल्स सक्सेस पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे RRB ग्रुप डी रिजल्ट्स को लेकर। तो फ्रेंड्स, बहुत से लंबे समय से चल रहे रेलवे ग्रुप डी भर्ती के रिजल्ट्स के इंतज़ार अब ख़त्म होने की कगार पर है, और जो फेक न्यूज़ का सिलसिला भी यूट्यूब पर जारी था रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर, वो भी अब ख़त्म होने की कगार पर है, क्योंकि RRB बोर्ड ने ऑफिशियल तौर पर RRB ग्रुप डी की जो रिजल्ट जारी करने की डेट है वो एक नोटिस के जरिए जारी कर दी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस डेट को RRB ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा, और ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है उसमें क्या बोला गया है वो भी हम जानेंगे। तो सीधे चलते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, उस ऑफिशियल नोटिस की तरफ जो RRB बोर्ड ने जारी किया है। तो चलिए चलते हैं उस नोटिस की तरफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, CEN2 2018 लेवल फर्स्ट पोस्ट एज पर 7th CPC ऑफिशियल नोटिस है RRB का, जो RRB ने आज ही 2 मार्च को जारी किया है। इसमें क्या बोला गया है आप सबसे पहले आपको इंग्लिश में देख सकते हैं, उसके बाद इसमें क्या बोला गया है इसकी ट्रांसलेशन कर मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट किया है, तो इसमें आप हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं। क्या बोला गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसे PET के नाम से जाना जाता है, फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए परिणाम की घोषणा 17/9/2018 से 17/12/2000 की अवधि के दौरान आयोजित कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT में उनके प्रदर्शन के आधार पर PET के लिए चुने गए उम्मीदवारों की सूची के बाद घोषित किया जाना है 4/3/2019 को 3 बजे। फ्रेंड्स, थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट किया तो शब्द आगे पीछे हो गए हैं। उम्मीदवार RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से अपने DDMMYY प्रारूप, जो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रारूप है, उसमें पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि दर्ज करते हुए अपने सामान्यकृत अंकों और PET के लिए शॉर्ट लिस्टिंग स्थिति देख सकते हैं। मैं शॉर्ट में आप सभी को बता देता हूँ कि इसमें बोला गया है कि जो RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम 17/9/2018 से 17/12/2018 तक चले थे, उनके लिए जो परीक्षा परिणाम जो है वो 4/3/2019 को दोपहर के 3 बजे तक जारी कर दिया जाएगा, और जो विद्यार्थी PET के लिए सिलेक्टेड हुए हैं उनकी सूची भी जारी कर दी जाएगी। आप अपने पंजीकरण नंबर और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से, डेट ऑफ बर्थ का प्रारूप ये रहेगा DDMYY भाई, सबसे पहले आपको डेट, फिर मंथ और फिर आपका ईयर डाल के इस फॉर्मेट से आप अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ये ऑथेंटिक और ऑफिशियल तौर पर RRB बोर्ड ने जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। ये इंग्लिश में है, मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट करके लिखा है, तो आप यहीं से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी RRB ग्रुप डी की भर्ती को लेकर, बिल्कुल ऑथेंटिक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।